हेलो गाइस, हम बात करने वाले भी मॉर्निंग ट्रेड के बारे में। और मॉर्निंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आज सुबह सुबह बैंक निफ्टी और आज फेड की मीटिंग थी। मीटिंग का भी कुछ थोड़ा इफेक्ट लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए हम जो कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक्स में हमको पैटर्न बहुत अच्छे मिले थे। फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट जो था वो क्लोजिंग और उसकी जो एक रेंज बनाया था उसको ब्रेक किया, तो फर्स्ट जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पर आराम से मिल सकता था, ठीक है, मिल जाता। और सेकेंड पॉइंट हमारा ये था कि हमने ये चीज़ कहाँ से डिसाइडेड की कि का ये ऐसा हमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए जितनी भी बार लगातार 3 दिनों से देखें क्लोजिंग को जब भी मार्केट क्रॉस कर रहा है एक अच्छा, कल का भी देखेंगे तो क्लोजिंग को मार्केट ने क्रॉस किया एक अच्छा मोमेंटम, सेम वही काम आज भी हुआ। 3 डेज ये कंटिन्यूस काम हो रहा है और उसके बाद अगली बार इसने टॉप पर जो था रेजिस्टेंस पर डोजी कैंडल बनाई और डोजी के बाद एक अच्छी और शार्प सेलिंग देखने को आपको मिली है। ये फेड की मीटिंग के रिजल्ट का भी कुछ काम हो सकता है। बाकी यहाँ से शार्प सेलिंग जो कि प्रीमियम में भी आज बुधवार है तो ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिले थे। सो ये 2 ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे हैं। और इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि अब इसके बाद अगर हम कोई ट्रेड लेंगे या कुछ करेंगे तो ये देखो मार्केट ने अब एक रेंज बनाया। इस रेंज में मार्केट अगर 1-1 घंटे बीतता है और अगर फिर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम ये और ये टारगेट ले सकते हैं। अप साइड में थोड़ा सा मोमेंटम को रोकेंगे क्योंकि इतनी शार्प सेलिंग के बाद तुरंत की तुरंत रिकवरी नहीं होगी, 1-1 घंटे रुकेगा, तो फिर अप साइड में फर्स्ट टारगेट यही रखेंगे और उसके ऊपर जाता है तब हम एक बड़े टारगेट के लिए सोच सकते हैं।